मोहतरम सामईन, पंजाब बुक प्रोजेक्ट नाम से अपनी हिमायात कायम रखता है और उनके प्रति हिमायात को जन्म देता है। अपनी हिमायत को कायम रखते हुए पंजाब बुक प्रोजेक्ट ने स्टूडेंट्स की सलाहियतों को मजीद निखारने के लिए जेबी फीडबैक सर्वे का इस्तेमाल किया और इस सर्वे में जिन तलबा और तालबात ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया और जेबी सर्वे को मुकम्मल किया उनके लिए पंजाब बुक प्रोजेक्ट ने प्राइज का इस्तेमाल किया है और आज इन तलबा को इनामात से नवाजने के लिए हमारे पास जहाँ आपका वजाहत मौजूद है आपकी भरपूर तालियों जो है गुजारिश है उनसे ये वो आए और इन तलबा को मैं दावत दूंगी अस्ना नदी को प्री मेडिकल की स्टूडेंट है कि वो अपना गिफ्ट कैंपस जो है रिसीव करें। मोहम्मद नबी सरफराज ICSE इनका तालुक अपना गिफ्ट कैंपस रिसीव करेंगे। FZ से मोहम्मद मुजम्मिल, आईकॉम गर्ल्स मिल के अनिश्वा, FK ग्रुप में अनीता, फातिमा से गुजारिश कि वो अपना प्राइज रिसीव करें। लग रहे आप लोग में आके और अपना टाइम याद आ रहा है जब हम स्कूल कॉलेजेस में इस तरह पढ़ते थे और इस तरह ग्रेजुएशन पे हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते थे। आप लोग बहुत ही हिम्मत से और बड़ी अच्छे तरीके से माशाल्लाह अपनी तारीख की सरगर्मी से सर अंजाम दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछे तो मिले हैं माशाल्लाह। एक बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन का एक कैंपस है जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं और एक छोटी सी मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम में इस तरह बहुत अच्छे तालीमी इदारे मौजूद हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जरूरत इस चीज़ की है कि हमें एक अच्छे डॉक्टर बनाने के साथ साथ अच्छे इंजीनियर बनाने के साथ अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के साथ साथ हमारे एक इदारों में एक ये एस्पेक्ट पर भी जोर दिया जाए कि हमें एक अच्छा इंसान कर सकते, क्योंकि अगर एक अच्छा डॉक्टर अपने अंदर मरीज के लिए वो हमदर्दी है वो दर्द महसूस नहीं करता, इसी तरह अगर अच्छा उस्ताद अपने शागिर्द के साथ एक रूहानी अटैचमेंट महसूस नहीं करता तो उसमें फिर मुकम्मल तौर पर उसकी जो है वो तरबियत का पहलू पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो पाता।
तो जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो बुनियादी तौर पर अपने अंदर एक एहसास और एक दर्द और एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो आगे बढ़े। तो मेरी यही कोशिश होगी पंजाब कॉलेज वालों से भी रिक्वेस्ट करने की, और आप लोग खुद भी अपने अंदर ये चीज जरूर पैदा करें कि आप लोगों ने एक अच्छा इंसान भी साथ साथ बनना है। क्योंकि हमने देखा है, मतलब मुझे भी सिविल सर्विस में CSS की एक तकरीबन अभी 24 साल के करीब हो गए हैं, बहुत सारे इदारे देखे हैं, पुलिस के, कस्टम्स के, FBR के, FBR दोबारा अपना जा रहा, बाकी महकमे भी देखे हैं। इस मुल्क को शायद हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, लेकिन इस वजह से हम ज्यादा आगे नहीं जा सकेंगे। वो जो तरबियत वाला पहलू है और जो इंसान की इंसान से मोहब्बत वाला पहलू है वो थोड़ा ज़रा कम है, जिसकी जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है आपके डायरेक्टर साहब इस मामले में बहुत हसास दिल रखते हैं, शायद आप लोगों में से कुछ गए भी हों इसी सेंटर में, इनको मैंने कुछ चीज़ें दिखाई तो वहाँ पर किस तरह बच्चे ऑर्फन्स और मेंटली रिटार्डेड लोग, ऐसे लोग के वहाँ पर उनकी रिकॉर्ड में उनका नाम तक नहीं पता किसी को, ना वो खुद बोल सकते हैं और कुछ पता नहीं है वो कहाँ से कोई लोग लाकर को छोड़ दिए। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का वहाँ विजिट भी करवाया, बच्चे यहाँ से शायद दूसरे कैंपस से गए हों और एक उनको एक अटैचमेंट का लेवल फील हुआ। तो ये चीज़ एक थोड़ी थोड़ी अगर हमारे सारे माशाल्लाह आप जो ब्लेस्ड लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको एजुकेशन दी हुई है, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके